Assalamualaikum, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स ने कहा था कि अपने चैनल पे स्किन केयर से रिलेटेड भी वीडियोस वगैरह बनाया करें, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर लिया जाए। हेयर शेयर तो मैं बाद में ही करूँगी, एक्चुअली मैं यहाँ पे ना आप लोगों को अपने कुछ रिव्यूज़ दूँगी, लाइक कुछ प्रोडक्ट्स के और रेमेडी के। सबसे पहले मैंने यहाँ विटामिन ई के वाइटनिंग कैप्सूल्स लिए हैं, एलोवेरा जेल ली है और तिब्बत क्रीम ली है। ये मैं मरियम परवेज़ की डार्क सर्कल्स वाली रेमेडी ट्राई करूँगी। और उसके बाद फिर वैसे मुझे डार्क सर्कल्स का इशू कभी भी नहीं रहा, लेकिन इस बार थोड़ा सा आ गया, शायद ग्लासेस पहनने की वजह से या किस वजह से आ गया है। तो मैं अभी ये सारी चीज़ें मैंने ली हैं, तो अब मैं इसको पहले खुद ट्राई करूँगी और उसके बाद फिर आप लोगों के साथ अपने रिव्यूज़ शेयर करूँगी। एक जगह मैंने रिव्यूज़ देखे थे, कुछ खास अच्छे नहीं थे, लेकिन मैंने सोचा पहले खुद ट्राई करूँ तो फिर शेयर करूँ। और जी, उसके अलावा मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ली हैं ओरिफ्लेम के। सबसे पहले मैंने ये क्ले मास्क लिया है, तो पहले मैं ये ट्राई करूँगी और उसके बाद फिर आप लोगों के साथ इसके भी रिव्यूज़ शेयर करूँगी। इसके रिव्यूज़ मैंने काफ़ी जगह पढ़े थे, अच्छे थे, लेकिन एक बार खुद मैं ट्राई करके फिर आप लोगों से शेयर करूँगी। और इसके अलावा विंटर्स में मेरी स्किन पे थोड़ा सा इशू आ जाता है, डिहाइड्रेशन की वजह से डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं या इसके अलावा स्कार्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसके लिए मैंने एक सीरम इस्तेमाल किया था, लास्ट ईयर ही स्टार्ट किया था और मुझे वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स उसके मिले थे। उससे मेरी स्किन बिल्कुल क्लियर हो गई थी। वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा जी, बहुत हो गई स्किन केयर की बातें, अब ज़रा आते हैं अपने किचन की तरफ। तो यहाँ मैं बनाने लगी हूँ चिकन एंड वेजिटेबल पुलाव। तो उसके लिए मैंने एक कप कुकिंग ऑयल गरम कर लिया। अच्छा, जब तक ऑयल अच्छे से गरम ना हो उसमें प्याज कभी भी ना डालना, क्योंकि वो ज़रा ना थोड़े अजीब से हो जाते हैं जब ठंडे ऑयल में हम प्याज वगैरह ऐड करते हैं, और उसको पकने में भी ना इतनी ज़्यादा देर लगती है ना कि बंदा क्या खड़ा होकर देखता रहे कि कब पकेंगे कब ब्राउन होंगे। तो जब यहाँ हमारी प्याज हल्की ब्राउन होगी तो हम इसमें डालेंगे चिकन और फिर हम उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ मैंने चिकन लिया है 1 किलो और मैंने चिकन को अच्छे से धो के साफ करके धो लिया है। और अब मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ चिकन। प्याज जब हल्की सी ब्राउन होगी है तो मैंने चिकन ऐड किया। और यहाँ मैं यूज़ करती हूँ पुलाव वगैरह में 1 चम्मच सिरका। सिरके से क्या होता है कि चिकन जो है अच्छे से गल जाता है, और दूसरा इसकी ड्यूअल नेचर है, तो जिससे ऑयल जिससे क्या होता है कि हमारे चावल जो हैं वो गिरते नहीं है, लाइक बहुत ज़्यादा गल नहीं जाते। अच्छा जी, अगर ऑयल गरम करके साथ कड़ी पत्ता और लौंग वगैरह भी ऐड कर दे उससे भी टेस्ट अच्छा आ जाता है, लेकिन मैं यहाँ चिकन के साथ ही नमक और अपना कड़ी पत्ता ऐड कर दूँगी, और उससे ये होता है कि चिकन में ज़रा नमक का टेस्ट अच्छा आ जाता है फ्राई करते हुए। अच्छा, तो यहाँ मैंने क्या काम किया, मैंने यहाँ डालना था अदरक लहसुन का पेस्ट और उसके अलावा टमाटर और हरी मिर्ची काट के रखी हुई थी, मैंने यहाँ वो डालनी थी। तो मैंने पता नहीं जल्दी जल्दी में मैंने क्या किया, आलू मटर ऐड कर दिए, तो फिर मैंने ऑफ़ कैमरा अपने टमाटर और जो अदरक लहसुन का पेस्ट था वो डाला। और अब यहाँ मैं स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, नमक मैं पहले ऐड कर चुकी थी। अब यहाँ 1 चम्मच दरफल मिर्ची, 1 चम्मच खुश्क धनिया, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच गरम मसाला साबुत और आधी चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया। उसके अलावा बाकी वेजिटेबल्स ऐड कर दिए। अच्छा, जो आलू मटर मैंने पहले तब डाल इसीलिए डाले कि वो थोड़े गल जाएं, उनका गलना ज़रूरी होता है, लेकिन बाकी वेजिटेबल्स जैसे शिमला मिर्ची, बंद गोभी और गाजर ज़रा फ्रेश हो ना, उनका ज़रा सा क्रंच हो तो वो अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, यहाँ मैंने केटल में चावलों के हिसाब से पानी गर्म कर लिया। अच्छा, इसका ये फ़ायदा होता है कि चिकन वगैरह भून के ना साथ ही गर्म पानी ऐड कर दो, तो साथ ही चावल वगैरह डाल के तो बस उसको पानी खुश्क होने के लिए रख दो, वरना बंदा देखता रहता है कब पानी खुश्क होगा कब खुश्क होगा। तो यहाँ मैंने चावल ऐड कर दिए। दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा जो मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, मैं उसको भून रही हूँ, घी वगैरह डाल के मैंने भूनने के लिए रखा हुआ है। अच्छा, इसके 2 शेड्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि एक साइड पर रिंग लाइट का इफेक्ट जा रहा है, एक साइड पर नहीं जा रहा। तो यहाँ इतनी देर में मेरे चावलों का पानी खुश्क हो गया। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको डर हो कि आपके चावल गिर जाएंगे, टूट जाएंगे या इस तरह से, तो आप क्या कर सकते हैं कि इधर भी 1 चम्मच सिरका ऐड कर सकते हैं ताकि आपके चावल टूटे वगैरह ना। अच्छा, तो यहाँ मैंने अब चावलों को 5 से 7 मिनट के लिए दम दे दिया है, और दूसरी तरफ मैंने गाजर हलवे में खोया वगैरह ऐड करके इसको बिल्कुल रेडी कर दिया है। जितनी देर में चावल हो रहे थे इतनी देर में गाजर का हलवा भी रेडी हो गया है।
तो अब ऑलमोस्ट 5 से 7 मिनट मेरे ख्याल में हो गए हैं, तो अब मैं चलती हूँ अपना दम खोल के देखती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, तो यहाँ बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं होता। जब चावल खुल रहे हों तब तो बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं होता कि जल्दी जल्दी खाने की, बहुत जल्दी होती है। तो यहाँ बहुत मज़े की खुशबू आ रही है और चावल भी काफ़ी अच्छे से पक गए हैं। अच्छा, यहाँ सिरका मैंने दम देते हुए नहीं ऐड किया, मतलब मैंने पहले ऐड कर लिया था चिकन फ्राई करते हुए, तो आप भी बस एक दफ़ा ही ऐड करें, क्योंकि बार बार ज़्यादा ऐड करने से उसका टेस्ट भी ज़रा ना अजीब सा हो जाता है। अच्छा जी, रात को मेरी तबीयत हो गई थी ज़रा अपसेट, फ्लू और फीवर हो रहा था, तो इसलिए मैं आज ज़रा लाइट ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। यहाँ मैं 4 कप ग्रीन टी बना रही हूँ, उसमें आधी चम्मच लेमन ग्रास ग्रीन टी ऐड की है। ये मैंने रेसिपी ये भी डाली हुई है अपनी शॉर्ट्स वाली वीडियोस में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसमें 4 कप में 1 चम्मच चीनी ऐड की है, थोड़े से सौंफ ऐड किए हैं और थोड़ा सा नमक ऐड किया है, इससे ज़रा टेस्ट अच्छा बन जाता है, जैसे वो पठानों की ग्रीन टी होती है वैसे, और टेस्ट ज़रा अच्छा हो जाता है। तो यहाँ 4 कप में मैं 1 लीमू ऐड कर रही हूँ, तो उसके अलावा मेरे इसके साथ मैंने किए हैं अंडे बॉयल। तो यहाँ मेरा ब्रेकफास्ट बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट।